नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिता, उन्हें एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि 3 से 4 हज़ार साल पहले घोड़ों पर सवार होकर कुछ व्हाइट स्किन के लोग आए थे, जिन्होंने भारत के मूल लोगों को भगाकर साउथ में भेज दिया। भगाने वाले कौन? आर्यंस। भागने वाले कौन? द्रविड़ियंस। ऐसी बेतुकी काल्पनिक स्टोरी को आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोलकर हमारे इतिहास के साथ सालों से खेला गया है और आज भी खेला जा रहा है। सिंपल सी बात है, इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है और विजेता जितना चाहे इतिहास को दबा सकता है। हम पर अंग्रेजों ने राज किया है, खूब लूटा है, मेंटली और फिजिकली खूब हरेस किया है और इस देश का कोई अस्तित्व ना रहे इसलिए हमारी गोल्डन हिस्ट्री को भी एकदम खत्म कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यूरोप और वेस्ट की हमेशा से ये आदत रही है और आज भी यही आदत है कि हमसे बड़ा सुप्रीम कोई नहीं है, हम ही है जिन्हें सब आता है और हम ही है जो लोगों को सिखाएंगे। और इसी का एक बड़ा एग्जांपल है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के हिसाब से करीब 1500 BC सेंट्रल एशिया या फिर ईस्ट यूरोप से एक रेस आई, एक नस्ल आई जो की एक बहुत शक्तिशाली नस्ल थी। वो रेस, वो लोग, वो नस्ल घोड़ों पर बैठकर आए थे और उन लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से इंडस वैली के लोगों को और उस समय नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों को बुरी तरह साउथ की तरफ खदेड़ा था। और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के हिसाब से वो आर्यंस ही है जिन्होंने संस्कृत भाषा का आविष्कार किया है, जिन्होंने वेद लिखे हैं, जिन्होंने महाभारत रामायण वगैरह लिखी है। वो आर्यंस ही है जिन्होंने इंडिया में हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब वेदों से लेकर हिंदुइज्म तक यूरोप के हिस्टोरियंस ने पूरा क्रेडिट यूरोप को दिया है और आज भी बाहर के हिस्टोरियंस और इंडिया के लेफ्ट के हिस्टोरियंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही मानते हैं और उसे लगातार सही प्रूव करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सच में आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसा कुछ हुआ है? बोल तो दिया जाता है कि आज के नॉर्थ इंडिया के लोगों का DNA सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप के लोगों से मैच करता है, लेकिन जिस जीन R1A1A की बात हम करते हैं, जिस जीन पर लेफ्ट के हिस्टोरियंस नाचते हैं, वो जीन करीब 55,000 ईयर्स से इंडिया में ही है, यानी उस जीन का ओरिजिन ही इंडिया में है। और थ्योरी में ये भी है कि वेदों को सो कॉल्ड आर्यंस ने लिखा है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में अश्व का जिक्र है, घोड़ों का जिक्र है और इन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस के हिसाब से आर्यंस ही थे जो भारत में घोड़े लाए थे, यानी उनके आने से पहले भारत में घोड़े थे नहीं। लेकिन इनका पर्दाफाश तो वही हो जाता है जब सिनोली में 4000 साल से भी पुराना एक रथ मिलता है। अब वो रथ कुत्तों को बांध कर तो चलाए नहीं जाते होंगे, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो सीधा यही डिबंक होती है कि ऋग्वेद आर्यंस ने इसलिए लिखा है कि ऋग्वेद में घोड़ों का जिक्र है और घोड़े तो आर्यंस ही लाए थे। लेकिन जो टाइम हिस्टोरियंस मानते हैं जिस टाइम आर्यंस आए थे, उससे भी कुछ हजार साल पहले भारत के सिनोली में रथ मौजूद था और हिस्टोरियंस के हिसाब से ऋग्वेद 1000 से 1500 BC के बीच में लिखा गया है। साफ से समझ आता है कि यहाँ पर घोड़े भी थे और यहाँ रथ भी। और जब बार बार सवाल उठा कि चलो मान लिया आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है, यूरोप से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को खूब मारा था, तो लोग पूछते हैं चलो प्रूफ तो दिखाओ कि लोगों को मारा था उसका प्रूफ कहाँ है, इतनी सारी लाशें हैं उनका प्रूफ कहाँ है, उनके स्केलेटन्स कहाँ है। इसका जवाब किसी हिस्टोरियन के पास नहीं था और होगा भी कैसे, थ्योरी ही फालतू है। जब इस थ्योरी के प्रूफ मांगने लगे तो इस थ्योरी का नाम बदलकर आर्यन इन्वेजन थ्योरी से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कर दिया गया कि नहीं नहीं आर्यन ने यहाँ पे इन्वेड नहीं किया था, किसी को मारा नहीं था, वो तो वहाँ से यूरोप से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे और यहाँ के लोगों से मिले थे, वो तो टूरिस्ट के रूप में कुछ टाइम के लिए आए थे और घूमकर चले गए थे। क्योंकि जो DNA चीख चीख कर यूरोप के हिस्टोरियंस बताते हैं, वो DNA सीक्वेंस भारत के हर इंसान में कुछ ना कुछ परसेंट है ही, चाहे वो नॉर्थ का हो या फिर साउथ का। तो आर्यन और द्रविड़ियन वाली थ्योरी एकदम फालतू है। और अगर आर्यन ने ही वेद लिखे है, रामायण लिखी है, महाभारत लिखी है, तो जो रेस हमेशा से स्किन से डिफ्रेंशिएट करती आई है कि कौन सुप्रीम है और लोअर, वो गोरे आर्यंस अपनी रामायण अपनी महाभारत में अपने हीरो को सांवला क्यों दिखाएंगे? वो सुपीरियर आर्यन रेस जो महाभारत लिख रही है, वो अपनी स्टोरी में गोरे आर्यन को हीरो ना बनाकर भारत के एक सांवले द्रविड़ियन को हीरो क्यों बनाएगी? वो सुपीरियर रेस भारत की ब्लैक रेस को अपने ऊपर कैसे दिखा देगी? इसमें थोड़ा सेंस देखना चाहिए। देखो, इसमें कोई ईगो की बात नहीं कि हमें कोई बाहर से हिंदुइज्म कैसे पढ़ा गया, हमें कोई हिंदुइज्म कैसे सिखा सकता है, हमें कोई वेद कैसे पढ़ा सकता है, ये तो हमारा खुद का ज्ञान है, ऐसा कोई ईगो नहीं है। लेकिन हम इस झूठ को ऐसे मान ले जो भारत के नॉर्थ के लोगों को यूरोप से आए लोगों का वंशज बताती है। जब हम ये मानते हैं कि जो इंडिया के पहले इंडियंस थे, इनिशियली वो अफ्रीका से आए थे ऑलमोस्ट 70,000 ईयर्स पहले, तो हम इजीली ये भी मान सकते हैं कि आर्यन आए थे, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी एकदम फालतू, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अफ्रीका वाली बात के पूरे प्रूफ है, सबसे पहले अफ्रीका से ही लोग आए हैं, तो हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कैसे सही मान ले? यहाँ तो बस यूरोप की सुप्रीमेसी का नाटक है। और एक और वजह कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी कैसे फालतू थ्योरी है, वो वजह ये है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत जिक्र है। सरस्वती नदी को बहुत बड़ा बताया गया है और उसे मदर ऑफ फ्लड्स बताया गया है, यानी सरस्वती नदी का बहुत वर्णन है। लेकिन साइंटिफिकली तो सरस्वती नदी 1900 BC में सूख चुकी थी और जो सो कॉल्ड 1500 BC में लिखा गया ऋग्वेद, जो कि सो कॉल्ड आर्यंस ने लिखा था, वो ऋग्वेद 400 साल पुराने वाली नदी को इतना डिटेल में कैसे बता सकता है? वो ऋग्वेद 400 साल पहले एक नदी सूख चुकी है,
उसको इतना डिटेल में कैसे बता सकता है कि नदी इतनी बड़ी है और यहाँ से बाढ़ आती है। और ये सब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज किए गए थे। जब आर्यंस आए ही 1500 BC में है, जब मैं आया ही 1500 BC में हूँ, तो मुझे कैसे पता कि 400 साल पहले यहाँ नदी ऐसे बाढ़ लाया करती थी। तो ये पूरी तरह गलत है कि ऋग्वेद आर्यंस ने लिखा है। ऋग्वेद में लिखी बात आर्यंस के आने से 400 साल पुरानी है। और कहने का मतलब यही है कि ऋग्वेद हो या फिर हमारे पुराण हो, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, कोई यूरोप से आकर हमें सिखा कर नहीं गया है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन भी इसीलिए है क्योंकि प्राचीन काल से हम वेद हो या फिर कोई भी नॉलेज हम मौखिक रूप से ट्रांसफर करते आए हैं, यानी वर्बली ट्रांसफर करते आए हैं। प्राचीन काल में लिख कर ट्रांसफर करना इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, मौखिक रूप से पूरा सिखाया जाता था, याद कराया जाता था। और ये भी एक कड़वा सच है कि हम आज भी अंदर से एक इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं कि हमारा देश तो कभी विश्व गुरु हो ही नहीं सकता था, हम तो हमेशा कंगाली से निकले हुए हैं क्योंकि अंग्रेज हमें ये पढ़ा कर गए हैं। भारत के एलिट क्लास के लोग वेस्ट की भाषा बोलते हैं, यहाँ के लोग भी वेस्ट के लोगों की तरह मानते हैं कि संस्कृत भी यूरोप से आई है। तो जरा सोचो, अगर संस्कृत यूरोप से आई है तो यूरोप वालों का संस्कृत का ऐसा भी नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भारत में लोगों को पता है, जहाँ लगातार हमले हुए हैं, ग्रंथों को जलाया गया है, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जलाया गया है, आक्रांताओं ने हमले पर हमले किए हैं, अंग्रेजों ने इतिहास बदले हैं, शिक्षा प्रणाली पूरी बदली है, जितना भीषण हमला भारत पे हुआ है, इतना भीषण हमला तो कहीं नहीं हुआ, जितना तकड़ा हमला भारत की संस्कृति पर हुआ है ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। तो जब हम संस्कृत भाषा को नहीं भूले हैं, तो 400-500 साल के अंदर ही यूरोप संस्कृत को पूरी तरह कैसे भूल गया? देखो, आर्यन नियोजन थ्योरी का पर्दाफाश तो तभी हो जाना चाहिए था जब ये लोग बोल रहे थे कि नॉर्थ इंडिया के लोग आर्यंस हैं और साउथ इंडिया के लोग द्रविडियंस हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग गोरे हैं और साउथ इंडिया के लोग काले हैं। आंखें हमारी तभी खुल जानी चाहिए थी क्योंकि गोरे काले का कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है। गोरे काले का कॉन्सेप्ट, स्किन रेस का कॉन्सेप्ट हमेशा से यूरोप का रहा है। हमारे यहाँ गोरा काला नहीं हुआ है, हमारे भगवान सभी सांवले हैं। लोगों को शुरू में समझ आना चाहिए था कि ऐसा कॉन्सेप्ट भारत में हो नहीं सकता, आर्यन और द्रविड़ियन जैसा कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता जिसका बेसिस ही गोरा और काला पे डिपेंड हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत नकली है। राजस्थान हरियाणा के लोग काले होते हैं, साउथ में भी लोग गोरे होते हैं। और जहां तक जीन्स में थोड़े थोड़े वेरिएशन की बात है, तो इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है और पहले इससे भी बड़ा था। हाँ, ईरान से लेकर श्रीलंका तक के एंसेस्टर्स एक ही है। ईरान के लोग गोरे हैं क्योंकि उनका क्लाइमेट वैसा है। तमिलनाडु में लोग काले हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वहां से लाइन निकलती है। लेकिन अगर अफगानिस्तान से उठा लो या फिर श्रीलंका से उठा लो या तमिलनाडु से उठा लो, इनके डीएनए में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। महाभारत में भी किसी सज्जन पुरुष को आर्य कहकर बुलाते थे, अपने रीजन को आर्यव्रत बोलते थे। और इस चक्कर में ये लोग इस आर्य को आर्यंस बनाते जा रहे हैं कि महाभारत में आर्यंस का जिक्र था। आज मैं किसी को श्री लगाकर बोल दूं तो क्या कल कोई श्री की रेस बन जाएगी, श्री की कोई नस्ल बन जाएगी? श्री बोलना, आर्य बोलने, ग्रीट करने का तरीका हुआ करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुइज्म यूरोप से आया हुआ है, ये सब फर्जी बातें हैं। और इस पर भी हिस्टोरियंस नाटक करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में तो कोई भगवान थे ही नहीं, मूर्तियां थी ही नहीं, और आर्यंस तो हड़प्पा के बाद आए हुए हैं, यानी आर्यन से सब मूर्तियां भगवान ये सब लाए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, मिट्टी से बनी शिवलिंग मिली है, गॉडेस की मूर्तियां मिल रही है, कोई आर्यन हिंदुइज्म नहीं लाया है। हाँ, भारत के लोगों का यूरोप से डीएनए मैच करता है। उसकी वजह ये नहीं है कि यूरोप से लोग यहाँ आए थे, उसकी वजह ये है कि भारत से लोग यूरोप की तरफ गए थे अपने नॉलेज को स्प्रेड करने, लोगों को ज्ञान देने के लिए। ऐसे ही थोड़ी सऊदी में, वियतनाम में हिंदुइज्म के साइंस मिल रहे हैं। चाइना को मार्शल आर्ट्स किसने सिखाया था? बौद्ध धर्म ने। वो कौन थे? वो इंडियन थे। तो भारत से माइग्रेशन बहुत कॉमन था और माइग्रेशन थ्योरी एकदम सही है, लेकिन कोई आर्यन इंडिया में नहीं आया था, भारत के लोग इंडिया से बाहर गए थे, जिस वजह से काफी डीएनए मैच करता है। जो हैप्लो ग्रुप एफ इंडिया में 55,000 ईयर्स से है, जिसे दुनिया के 90% से भी ज्यादा लोगों का फादर जीन माना जाता है, इसका मतलब यही है कि कभी ना कभी टाइम टू टाइम इंडिया के लोग बाहर निकले हैं और दूसरे देशों में जाकर घुले मिले हैं, बट इनिशियली सभी लोग अफ्रीका से आए थे। आज यूरोप, इंडिया के हिस्टोरियंस लगातार इंडियन हिस्ट्री पर सवाल उठाते हैं, इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। भारत की आम जनता जिन्हें सच पता है, जो अपने माँ बाप से, वो आगे अपने माँ बाप से सुनते आए हैं, उन्हें सुनकर बुरा लगता है। लेकिन काफी बार कुछ जगह प्रूफ नहीं मिल पाते, और मिलेंगे कैसे? नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को तो जला दिया गया था, मॉन्क्स को मार दिया गया था, ब्राह्मणों को मार दिया गया था, अंग्रेज हिस्ट्री बदल देते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बचेंगे कहाँ पे? आप उसको संभालोगे कहाँ पे? जो संभालते थे या फिर जहाँ संभाला जाता था, वो तो आपने जला दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मार दिया, तो अब प्रूफ्स लाए कहाँ से? आज हमारे पास हर चीज़ का एविडेंस नहीं है, तो ऑपोजिट ग्रुप वालों के पास भी कोई एविडेंस नहीं है, बस उनके पास सुपर पावर है तो उनकी बात एक ऑथेंटिक लग जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है। भारत के हिस्टोरियंस अब खुद मानने लगे हैं कि आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ नहीं हुआ है, सब यूरोप का एक प्रोपेगेंडा है, और जल्दी से जल्दी यहाँ के हिस्टोरियंस इस थ्योरी को डिपंक करने वाले हैं। तो सभी इंडियंस एक ही है, बाहर से आए आर्यंस कोई नहीं है, और द्रविडियंस
द्रविड़ियंस है। क्यों? क्योंकि द्रविड़ियन का लिटरल मीनिंग यही है कि जो लोग उस जगह पर रहते हैं, उस लैंड पर रहते हैं जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। बट ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए द्रविड़ियन या आर्यन कोई अलग नहीं है, सबके एंसेस्टर्स सेम ही है। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन बटन से इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं rishi.tavaniya पर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।